दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके साथ कि एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है मोबाइल एक्सेल के अंदर। तो हम अपनी एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं और पुराना जो बुक है उसी को हम ओपन करते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरह के फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे। अब हम एक नया सीट ऐड करते हैं और हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि किस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। क्या होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन पहले देख लेंगे। जैसे कि हमने 20 यहाँ लिखा है और यहाँ पे 30 लिखा है या 40 लिखा है, तो मुझे इसका सम चाहिए। तो एक तो है कि इनबिल्ट फॉर्मूला, जैसे हम इक्वल पर लिखेंगे और सम, और हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हम टिक कर देते हैं तो रिजल्ट आ गया। या दूसरा है कि हम इसमें हम डायरेक्ट इसका पाथ ले रहे हैं, इक्वल इसको सिलेक्ट किया और हम प्लस का सिंबल देंगे और फिर हम नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और फिर टिक का निशान है उस पर क्लिक कर दीजिए, रिजल्ट आ गया। तो ये जो इनबिल्ट फंक्शन है और ये जो है मैथमेटिकल फंक्शन है, तो इस तरह की मैथमेटिकल फंक्शन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ क्वार्टर वन और यहाँ पे हमने टू है। क्वार्टर वन में मान लीजिए 50 है, क्वार्टर टू में मान लीजिए 60 है। मुझे इसका ग्रोथ निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वल लेटेस्ट माइनस, जो मैथमेटिकल रूल कहता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट, और इसको हमें ब्रैकेट में रखना होगा। तो ब्रैकेट क्योंकि बोर्ड मास मेथड हम यूज करना होता है, और यहाँ हम देते हैं डिवाइड बाय ओल्डेस्ट और एंटर प्रेस कीजिए। ये आपके सामने पॉइंट्स में आ गया, तो इस पर क्लिक करके इसको परसेंटेज में किया जा सकता है। नंबर फॉर्मेट में हम यहाँ पे आते हैं, परसेंटेज देते हैं, तो 20% का गिरावट है। तो इस तरीके से हम अपना मोबाइल एप्लीकेशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह से चैनल पर बने रहें और इससे आगे की वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।